अभी हमें भी अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है दोस्तों। ये देखिए मंजिता को पूरा क्या क्या बोल रही है। आज क्या क्या करने को मिलेगा? डांस करने जैसा ट्रेडिशनल बिस्किट खा रही है। कैसा है? बाय बाय, अच्छा से रहो। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी को एक और नए ब्लॉग पे। तो आज सुबह उठते ही हम लोग जो है ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी मंजिता से मिलने के लिए जाएंगे। मंजिता का लंच टाइम पे उससे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि दीदी ने जो है कल मछली रख दिया था मंजिता के लिए, वही मछली फ्राई करके लेके जाएंगे। अभी हम लोगों के लिए यहाँ पे लौकी के पत्ते तोड़ी है, लौकी के साथ खाएंगे। और यहाँ पे आसमान भी देख सुबह सुबह हम लोग का घर पे, क्योंकि कल रात को आई थी मानवी, मम्मी का पास में सोई थी। अभी मंजिता के लिए अंदर से जो है मछली फ्राई होगा। यहाँ पर देखिए बस दो ही पीस है। माटा क्यों रख दिया? अभी यहाँ पे फ्राई होगा। कल के लिए तो हम लोग के पास सब्जियाँ है बहुत सारे, यहाँ पे है, फ्रिज में रख दिया था। कुकुम्बर का सब्जी है और इसमें वो एलेपन एप्पल की चटनी है। बस लौकी का सब्जी पकाएंगे। यहाँ मैंने कल एक तो लौकी लेके आई थी, ये वाला जो है पूरा नहीं देंगे, क्योंकि इसमें जो है लौकी के पत्ते भी है, मिक्स करके पकाएंगे। बस ऐसे ही दो टुकड़ा कर देती हूँ, एक टुकड़ा शाम के लिए, अभी एक टुकड़ा ब्रेकफास्ट के लिए। मैंने वॉश भी कर दिया है, अभी लौकी को काटनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने पानी दे दिया है और ड्राई फिश और मिर्च और नमक। दीदी यहाँ पे मछली का सर को देखो फ्राई कर रही है, और वहाँ पे हाँ मंजिता के लिए पैकिंग होगा। बस दो ही पीस, ये वाला तो खा नहीं पाएगी। मंजिता के लिए इजी होने के लिए यहाँ पे दीदी जो है कांटे को निकाल के लेके जाएगी। ये देखो ये बढ़िया होगा, क्योंकि वो लंच का टाइम में खा सकेगी ना जल्दी जल्दी। हाँ। नहीं वैसे भी वो बहुत ही लेट खाती है खाना। देखो काबूचे वहाँ भी देख रहे, ऐसा मत देखो बेटा। और यहाँ पे कल मैंने बिस्कुट को रख दिया था, ये देखिए दोस्तों यहाँ से भी लेके जाएंगे मंजिता के लिए। और जो मिजोरम से कपड़े वगैरह लेके आई थी ना, वो भी लेके जाएंगे, ज्यादा नहीं। मैंने उसके लिए तीन तो फ्रॉक लेके आए थे, पर दो ही लेके जाएंगे। बहुत सारे कपड़े हैं हॉस्टल पे, तो पुराना कपड़े जो है लेके आना पड़ेगा, ये नए वाले को वहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि वो हर संडे को चर्च पे जाती है, इसलिए पूरा एकदम सच के जाती है। तो यहाँ से एकदम लोकल वाला बिस्किट भी लेके जाएंगे। ये देखो बढ़िया बढ़िया लोकल बिस्किट। ये देखो गावची भी देख रहा है यहाँ पे। इसमें देखो पूरा पानी उबल रही है, और ये कढ़ाई पे जो है क्या नया टेक्निक, ये देखो कुकुम्बर का सब्जी को यहाँ पे गर्म होने के लिए सबसे पहले कढ़ाई पे पानी दे दिया है, फिर उसके बाद इससे बिठा दिया है, ये अपने आप गर्म हो जाएगी। तो अब सबसे पहले लौकी को पका लेती हूँ। लौकी ही लौकी, ये देखो बढ़िया बढ़िया लौकी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे गरम हो रही है, और यहाँ पर मेरी लौकी की सब्जी, वाह मस्त मस्त करके बॉयल हो रही है। ये एक नया आइडिया, हाँ। देख लो फ्रिज में रखो तो सुबह गरम करने के लिए ऐसे आइडिया लगाई हूँ। थोड़ा इसको भी चम्मच से वो कर दो। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मंजिता के लिए क्या क्या लेके जाएंगे, पेंसिल बॉक्स और इसमें जो कटर रबर वगैरह है, और यहाँ पे चप्पल, और दीदी मंजिता के लिए लेके जा रही है ORS। मंजिता के लिए हम क्या क्या लेके जाएंगे, ये तो घर का यूज के लिए है कपड़ा, एक्चुअली ये घर में यूज करती थी पहले, और ये वाला जो है मिजोरम से लेके आई थी, और ये वाला भी, और एक तो है ना वो वाला थोड़ा बड़ा है, वो घर पे रख देंगे। थोड़ा दिखा दो डिजाइन, बहुत ही बढ़िया बढ़िया है इनका डिजाइन। ये देखो देखने में ये जीन्स का कपड़ा है, पर बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखो बहुत ही अच्छा है, मंजिता को बहुत प्यारी लगेगी ये ड्रेस। और गाबूची हमेशा देखो ला गुड प्यार है। और यहाँ पे क्या क्या लेके जाएंगे, ORS है, बिस्कुट है, और ये फ्राई मछली, और ये बॉडी ऑयल, और यहाँ पे पेंसिल और रबर कटर, और ये कल का चप्पल। अरे डिस्टर्ब मत करो ना बेटा, हट जाओ। दोनों ही अच्छे है कपड़े जो, ये देखो बहुत ही प्यारा है। लौकी का साग और लौकी मिक्स करके बना दिया है। तो यहाँ ब्रेकफास्ट निकाल दिया है दोस्तों, अभी दीदी और मैं ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मानवी भी साथ में ब्रेकफास्ट कर रही है। तो हमें जो है ये ब्रेकफास्ट करने के बाद नहाना पड़ेगा, फिर जाएंगे मंजिता के लिए। बहुत टाइम हो रहा है, अभी लगभग आठ ऐसा बज चुका होगा। तो अभी दोस्तों हम लोगों ने फटाफट नहा के अभी रेडी हो चुके हैं, अभी निकलेंगे। इतनी तेज धूप दे रही है, तो हमें जो है एकदम
चुन्नी को इसे बांध के जाना पड़ रहा है क्योंकि दीदी ने जो यहाँ पे ये पाव का सॉक्स को देखो सॉक्स को हाथ पे लगाया क्योंकि ये जल जाती है ना, पूरा काले काले हो जाते हैं। तो मैंने भी लॉन्ग शर्ट लगाई है पर मेरे पास सॉक्स नहीं है हाथ में पहनने के लिए, इसलिए मैं इसे जाऊंगी अभी जाते हैं। हाँ, हैंड ग्लव्स नहीं है, फिर किसे चलाओगी, तकलीफ नहीं होगा, थोड़ा होगा। तो अभी जाते हैं दोस्तों, सीधा मिलते हैं मंजिता से। हम लोग बस निकलने वाले थे दोस्तों, अभी आधे रास्ते पे है ये हम लोग का सिमल का पेड़ के नीचे पे है, वहाँ पे मंदिर लोग का गए। हम लोग का देखो टायर कैसा हो गया, पूरा एकदम छिपता हो गया, इसे जो है ठीक करना पड़ेगा सबसे पहले। अभी इसमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग जैसे तैसे गुनानगर पहुँचने से हो जाएगा, वहाँ पे बनाएंगे। अभी हम लोग का स्कूटी भी ठीक हो चुका है दोस्तों, अभी फिर से आए हैं मामा जी का लड़की की दुकान पे। ये देखो हम लोग का एक्चुअली बड़ी दीदी है, तो बड़ी दीदी का एक छोटी बेटी जैद भी में पढ़ती है, उसके लिए भी कुछ सामान वगैरह लेके जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों हम लोग हॉस्टल पे पहुंच चुके हैं। बाप रे खतरनाक से धूप दे रही है, मेरा कमर भी पेन हो रहा है। ये देखो इतना शांति माहौल है, वहाँ पे भी मिलने आया है। देखो दीदी वहाँ पे हम लोग का मंजिता तो देख के पूरा सरप्राइज हो जाएगी। वैसे दीदी ने कल सिस्टर को कॉल किया था, ऐसे हम लोग मिलने नहीं उतना नहीं मिलेंगे, बस सामान वगैरह को देखे जाएंगे। ओ बाप रे बहुत गर्मी दे रही है, आते वक्त मेरा जो टोपी था पूरा उड़ गया था। अभी जाते हैं अंदर पे, मंजिता को बुलाना पड़ेगा। ला बाप रे इसका पूरा फटा फटा है, ये देखो इसको क्यों पहनती है। हाँ अभी ये सारे फटे वाले, हाँ पूरा फट गया। अच्छा इसको डांस करना पड़ेगा आज, इसका तो पूरा फटा हुआ है इसमें देखो। हाँ ये देखो पूरा देख रही है, बाप रे चप्पल पहन लिया है। हाँ पहले वाला है, पहले वाला सा पहले वाला है कि नहीं है जो घर से लेके आया था वो। हाँ क्यों लेता है दीदी, क्यों लेता है तेरा सामान, तेरा सामान कोई दूसरा क्यों लेता है, क्यों लेता है तेरा रबर क्यों देते हो दूसरों को। इसलिए तेरा वाला लेके उन लोग बांधता है, तो इसका तो खांसी भी हुआ है, जरा इधर देखो पूरा चेंज हो गया। ये तो भी नहीं है, फोन किया कल हम एडवांस में बात करने भी नहीं देता इसको, तो पता होने से हम वो खांसी उसका कप का वो दवाई लेके आना था। शर्ट भी गंदा है, इसमें क्या क्या गिराया है और इसका तो पूरा फटा हुआ है, ये देखो लेके जाएंगे। हाँ ये पुराना कपड़ा सब लेके जाएंगे, मत खोलो उसको मत खोलो। ये देखो मिजोरम से लेके आया ये फ्रॉक वगैरह। ये देखिए मंजिता को पूरा क्या क्या बोल रही है, आज क्या क्या करने को मिलेगा, डांस करने जीसस गाना से। अच्छा जीसस गाना से डांस करना पड़ेगा आज, यहाँ पे इतना सुंदर सुंदर फ्रॉक लाया है वही पहनो। हाँ मिजोरम से लेके आया था आइजोल से। अभी हमें भी अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है दोस्तों, क्योंकि मंजिता का जो कपड़ा था ना पुराना पुराना कपड़ा वो सब हम लेके जाएंगे। ये देखो पूरा कैसी है ये लड़की, पूरा स्कर्ट भी फटा हुआ है इसका, क्या क्या गायब हो गया। अभी फिर से बोल तो यहाँ पे ला दिया है मंजिता का पुराना पुराना कपड़ा, इसका क्या हुआ, यहाँ पे भी फट गया। पूरा पिन लगा के रहती है और ऐसा वाला भी कपड़ा गंदा गंदा है। हाँ। रिपोर्टिंग नहीं है उसका, तो उसका पहले में ना हम बहुत सारा कपड़ा लाया था, घूम हो गया, किसी घूम हो गया नहीं पता। हाफ पेंट एक बहुत महंगा वाला था 800 वाला, वो भी गायब है, ऊपर का टॉप भी गायब है। कहाँ गायब होता है, कोई दूसरा बच्चा लोग पहनता है क्या, ऐसे तो नहीं पहनता है पता नहीं। फिर इसका पेंटी गायब है, इसका पेंटी कितना, हम लोग पूरा 6 भेजा है, 6 में से अभी लास्ट 2 बचा है, 3 बचा है बोला है, 3 बचा है अभी ला दिया है, फिर से 2 ला दिया है, फिर कैसे गायब होता है।
क्या सोच रही है? बच्चा लोग बहुत बदमाश है ना इधर का। अच्छे से इसका अभी आप जब प्रोग्रेस कार्ड साइन होगा ना तब हम आके एक बार इवैल्यूएशन के लिए इसकी क्लास टीचर से बात करेंगे। कब तक होगा ये इसका प्रोग्रेस कार्ड? नेक्स्ट मंथ। अभी ये अक्टूबर स्टार्टिंग है। हाँ, तो फ्रॉक ला दिया है ये ना बैग में घुसा तेरा बक्सा है ना बड़ा वाला उधर पे घुसा के ताला मार। क्या बोलते हो ऐसे हॉस्टल में पहनने के लिए तो और भी है ना कपड़ा। ये चार्ज में जाने के लिए भी ये वाला कंटिन्यू मत पहनो। हाँ ये चार्ज में जाने के लिए। हाँ ये देखो ट्रेडिशनल बिस्किट खा रही है। कैसा है? अभी ज्यादा मत खाओ। खाना खाने टाइम में जो हम मछली फ्राई करके लाया है ना उसको खाओ ठीक है। चलो अभी जाएंगे हम लोग घर जाएंगे हम लोग। हाँ रात को चिकन मिलेगा। बढ़िया है। फ्राई वाला मछली खाना ठीक है। बाय बाय अच्छा से रहो। तो हो गया है मंजिता से भी मिल लिया है दोस्तों। अभी जाएंगे घर और मंजिता देखो वहाँ पे देख रही है। ये देखो मंजिता बाय बाय गमे थे इधर। अभी फिर से आए हैं दोस्तों हम लोग जैनवी स्कूल पे। तो यहाँ पे जो है एक हम लोग का बांजी रहती है दीता। दीता चकमा कहाँ गया? वहाँ पे है। दोस्तों चौकाम पे पहुंच चुके हैं। बाप रे पूरा थक गया। इतनी गर्मी है। अभी हम लोग यहाँ से ठंडा ठंडा दही खाएंगे। ये देखो पूरा लाल लाल हो गए काले काले मुंह तो पूरा। तो दोस्तों हम लोग जो है घर पे पहुंच चुके हैं। बहुत टाइम लगा है और गर्मी इतनी तेज से दे रही है ना वहाँ पूरा खतरनाक। अब इतना माता चक्कर दे रही है बुखार आएगा ऐसा फील हो रही है। इतनी तेज धूप में निकलना बहुत मुश्किल है ना। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। वहाँ पे मम्मी ने पूरा बनानास भी निकाल दिया है और हम लोग का लोकल बिस्किट भी है वो खाने का मन नहीं कर रहा है। पूरा ताकत खत्म हो चुका है रे। हम लोग जो है यहाँ पे डिनर बना रहे हैं। दीदी ने सब कुछ रेडी कर दिया है। अभी बस लास्ट में मूली का साग है उसे लेने के लिए गई थी इसलिए मैं वीडियो भी बना नहीं पाई। और वैसे भी मेरा फोन जो है चार्ज नहीं है अभी तक चार्ज पे लगा नहीं पाई। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मौसम जो है क्या हो गया पूरा बारिश देने वाली है। ये देखो काले काले बादल हो चुके हैं और ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। लाइट भी चली गई है तो मुझे अभी तक नहाने नहीं मिला है। बस हम लोग का इन्वर्टर से लाइट ऑन होते पर पानी नहीं उठता है। तो अभी यहाँ से नेचुरल हवा खा के डिनर बना रही हूँ। और लेमो जो है सुबह से लेकर पता नहीं कहाँ गया घूमने के लिए। अभी बस हम लोग ही गए तीनों नारियाँ और मानवी भी चली गई है। पहले मेरे साथ गई थी वहाँ खेत पे मूली का खेत पे। अभी वहाँ से आई नहीं वहाँ पे रह गई मानवी। तो हमने डिनर भी कर लिया है। रात भी बहुत हो रही है। अभी तक मुझे नहाने नहीं मिला है क्योंकि लाइट बार बार डिस्टर्ब दे रही है। अभी भी हम लोग का इन्वर्टर से ये लाइट वगैरह ऑन हुआ है और हम लोग का दोस्त लोग भी आए हैं इसलिए मुझे थोड़ा बातचीत करना पड़ेगा। वो लोग नेपाल से आए हैं ना। तो बाय बाय दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाय बाय मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ।